मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सीने में दर्द की शिकायत के बाद इलाज कराने डॉक्टर के आवास पर पहुंचे 24 वर्षीय एक युवक को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक बेंच पर बैठा हुआ दिख रहा है और देखते ही देखते वह अचानक बेंच से नीचे गिर जाता है। युवक को गिरता हुआ देखकर आसपास के लोग उसे उठाकर आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। युवक की पहचान शाहरुख मिर्जा के रूप में की गई है। युवक सीने में दर्द की शिकायत के बाद सिविल अस्पताल के डॉक्टर पंकज गुप्ता के सरकारी आवास पर इलाज कराने पहुंचा था। मामले में डॉक्टर पंकज ने बताया कि युवक को रात से ही सीने में काफी दर्द हो रहा था, जिसको लेकर वह उनके पास इलाज के लिए आया था। वह करीब 2 मिनट तक बेंच पर बैठा रहा और फिर गिर गया। डॉक्टर ने बताया कि युवक की ECG भी की गई थी। डॉक्टर पंकज गुप्ता ने युवक की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख बाइक रिपेयरिंग की दुकान चलाता था और दुकान पर ही काम करने के दौरान उसे घबराहट हुई और सीने में दर्द होने लगा, जिसके बाद वह अपने घर चला गया। आपको बता दें कि शाहरुख अपने घर में इकलौता कमाने वाला था। उसके पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। शाहरुख के परिवार में उसकी माँ, छोटा भाई, बेटी और पत्नी है, जो कि गर्भवती है। वहीं शाहरुख का छोटा भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।